साथियों जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों अगर आप भी पेंशनर हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे आप डिफेंस पेंशनर हो चाहे आप सिविलियन पेंशनर हो, तो आज की खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों आज के वीडियो में बात होगी जो आप लोगों को डीए मिलना है 3% बढ़ा हुआ 2024 में, उसके बारे में, और इसके अलावा जो आप लोगों का कोविड के समय पे डीए फ्रीज कर दिया गया था उसके बारे में, क्या आपको 18 महीने का फ्रीज डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो अभी 3% बढ़ा हुआ डीए जो अक्टूबर 2024 में दीपावली से पहले मिलने वाला है वो कब तक आ जाएगा। तो साथियों इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूँ, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है, जैसे आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड ऑफ एक्सपेंडिचर नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली, और 21 अक्टूबर 2024 को यह लेटर निकाल लगाया था। इसका सब्जेक्ट है रिवीजन रेट ऑफ डीएफएस अलाउंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफेक्टिव 1/7/2024। ये जो आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए आपका रिवीजन हुआ है डीए का 3% का 1/7/2024 से, उसके संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम 1/1/2024 ई सेकंड बी डेट 12/3/2024 सब्जेक्ट मेंटेन्ड अबोव एंड से बी प्रेजेंट इन द प्लेज Decide that the rate of the earnest allowance payable central government shall be enhanced 50% से 53% basic pay 1 जुलाई 2024। आगे दिया है basic pay revise pay draw pay matrix 7 CPC the earnest allowance with continue, और पॉइंट नंबर 5 में बहुत ही काम की बात दी गई है, they order shall also apply civilian employees paid from the defense service estimates and expenditure to chargeable relevant head defense service estimate in receipt of armed force personnel railway employees separate order will be issued by the ministry of defense and ministry of railways in the for person serving Indian audit account department and the concerned these order are issued in the consultation with controller and the auditor general India maintained under article number 148(5) constitution of India। नीचे साइन किए हुए हैं अभिमन्यु साहू deputy secretary of government India, इसकी कॉपी भेजी गई है all ministry को department of government of India को। तो साथियों अभी जो मैंने आपको लेटर पढ़कर दिखाया है इसका यही मतलब है, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि सिविल एम्प्लॉयज और पेंशनर को, डिफेंस पेंशनर और एम्प्लॉयज को, और रेलवे एम्प्लॉयज और पेंशनर को जो 3% बढ़े हुए डीए का जो अमाउंट बनता है उसको मंजूरी दे दी है ऑडिट डिपार्टमेंट को, यानी कि इन सभी को दे दिया जाए। तो जल्द ही आप लोगों को 3% बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, यानी कि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज डेट है 24 अक्टूबर 2024, आप में से काफ़ी लोगों का तो आज ही आ जाएगा और कुछ का 25 में आएगा, और बचे हुए का जो आपका मंडे तक 100% आपका सभी लोगों का 3% बढ़ा हुआ डीए, और उसका एरियर यानी कि जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का, यानी कि दीपावली से पहले पहले आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा। और साथियों अभी बात करते हैं जो आप लोगों का कोविड के समय पे डीए फ्रीज किया गया था 18 महीने का, उसके बारे में क्या समाचार निकल कर आ रहा है, क्योंकि साथियों इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है हमारे सोशल मीडिया पर, और काफी सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि ये जल्द ही मिलने वाला है, दीपावली से पहले पहले इसके लिए आदेश कर दिए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सब कुछ आज के वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो इसके लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का ये लेटर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो 23 अप्रैल 2020 को निकला था जब आपका कोविड चल रहा था,
इसका सब्जेक्ट है फ्रीजिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज एंड डियरनेस रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर एट करंट रेट टिल जुलाई 2021। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्प्लॉयज और पेंशनर का डियरनेस अलाउंस फ्रीज किया गया था, महंगाई भत्ता फ्रीज किया गया था, उसके संबंध में ये लेटर जारी होगा। द अंडरसाइन इज डायरेक्ट से डेट इज व्यू ऑफ क्राइसिस आउट ऑफ COVID-19 हैज बीन डिसाइडेड द एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड डियरनेस लिव सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर ड्यू 1 जनवरी 2020 शैल नोट बी पेड। द एडिशनल इंस्टॉलमेंट डियरनेस रिलीफ इज 1 जुलाई 2020 1 जनवरी 2021 शैल ऑल्सो नोट बी पेड। However, डियरनेस अलाउंस डियरनेस रिलीफ रेट ऑफ कंटिन्यू बी पेड। इस पैराग्राफ का मतलब है कि इन्हें यह कहने का आदेश हुआ है जो आप लोगों का COVID-19 में डीए फ्रीज हुआ था और उसकी डेट जो थी 1 जनवरी 2020 जुलाई 2020 और इसके अलावा जनवरी 2021, वो आप लोगों को नहीं दिया जाएगा उसके और उसके बाद वाला जो है लगातार दिया जाएगा, ये इसमें कहने का आदेश हुआ। यानी कि आपको डीए के लिए इसमें मना किया हुआ है जनवरी 2020 का, जुलाई 2020 का और जनवरी 2021 का, जैसे इसमें दिया हुआ है। अगले पैराग्राफ में देखते हैं एज एंड वैन इज डिसीजन रिलीज फ्यूचर इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस इज रिलीफ 1 जुलाई 2021 इज टेकन बाई गवर्नमेंट द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस एफेक्टिव 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2021 जुलाई 21 फॉर बी पीरियड 1 जनवरी 2020 30 जून 2021। यानी कि जो आपका फ्रीज करा गया था उस समय पर आपका बढ़ा दिया गया, लेकिन उस पीरियड का 18 महीने का नहीं दिया जाएगा, जुलाई 2021 से आप लोगों का यह आगे का पेड किया जाएगा। दीज ऑर्डर्स शैल बी एप्लीकेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। ये ऑर्डर्स सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर के लिए जारी किया गया है। साथियों, इसके बाद में एक दूसरा लेटर जारी हुआ जो हुआ 20 जुलाई 2021 को हुआ था, तो इसका सब्जेक्ट भी आप देख लें रिवाइज ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर्ड अफेक्ट 1/7/2024। जो आपका 1/7/2024 को दोबारा से डीए जहाँ पर फ्रीज था उसके बाद चालू हुआ, इस लेटर में उसका जिक्र किया हुआ है। मेमोरेंडम 1/1/2020 बी डेट 23/4/2020 वाइड विच गवर्नमेंट डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज 1/1/2020 1/7/2020 1/1/2021 वर फ्रीज एंड से टू प्रेजेंट टू डिसाइडेड द डियरनेस अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज इनहेंस 17-28% विच अफेक्ट 1 जुलाई 2024 इंक्रीज एडिशनल इंस्टॉलमेंट 1/1/2020 1/1/2021 रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टिल 1/1/2020 टिल 30/6/2021 रिमेन 17%। इसमें यही बताया गया है जो 23/4/2020 को लेटर जारी हुआ था, यानी कि जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया, जो आप मैंने आपको पहले दिखाया है, उसकी जो भी तीनों इंस्टॉलमेंट थी 1/7/2020 की और 1/1/2021 की और 1/1/2020 की, तो इनको तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन सभी का जो बढ़ाया हुआ जो है, पहले 17% था तो 28% कर दिया गया, जो 1 जुलाई 2021 से आप लोगों को दिया जाएगा, बीच का नहीं दिया जाएगा। तो इन दोनों लेटर को देखकर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉयज हैं या पेंशनर हैं, आप सभी समझ गए होंगे जो आप लोगों का कोविड के समय का जो फ्री डीए वो आपको नहीं दिया जाएगा, और जो इस समय का आपका डीए है 3% जो बढ़ा है वो दीपावली से पहले ही जल्दी आप लोगों को 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके लिए लेटर जारी हुआ है जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो साथियों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।